कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ सिद्धार्थ जी। गीता जी, एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था और मैं उसकी बहुत जी कदर करता हूं। आपने कहा कि मैं पहले पतली हुआ करती थी और अब मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन किया है। क्या था उस पोस्ट के पीछे आपका थॉट? देखिए, मेरे मेरे कुछ एक तो कुछ चाहने वाले हैं जो घर में, जो उन्होंने मुझे बोला कि अभी ये पोस्ट, मतलब मुझे था कि मैं लिखूं इसके बारे में, मैंने ज्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखा, लेकिन मैंने उनसे बात की कि मैं ऐसा पोस्ट डालना चाहती हूँ जो मैं पहले मेरी फिटनेस ऐसी थी और अब मैं माँ बनने के बाद मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। सो मुझे मना भी किया कि नहीं, क्या जरूरत है, अभी लोग फिर फालतू के कमेंट्स करते हैं कि आप कली की बहन हो गई, ये वो, तो लेकिन मेरे से रुका नहीं गया क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ, उसमें क्या, उसमें छुपाना क्या है और उसमें क्या, मतलब क्या लोग क्या कमेंट करेंगे उससे, मुझे मुझे नहीं, मुझे ना डर लगता है ना मुझे कोई किसी चीज का ये ऐसा महसूस होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बचपन से ये सब चीजें पीछे छोड़ी हुई हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हमें सोचना ही नहीं है, जो मन में आए जो ठीक लगे वो करना चाहिए। एंड उसके पीछे थॉट यही था कि यस, मैं यू नो कि मैंने अपने आप को, जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने कभी अपने आप को अनफिट नहीं देखा, बॉडी के बॉडी वेट इतना गेन नहीं देखा अपने आप को, अपने आप में इतना इतना फैट नहीं देखा। यस, मेरा वेट गेन हुआ जब, और ये सभी का है कि ये एक प्रोसेस है कि वेट बढ़ता है। और मुझे ये भी पता है कि आज नहीं तो कल, 6 महीने में, साल में, मुझे वापस से उस फिटनेस में वापस आना है, तो क्यों ना मैं, मतलब जो अभी मैं हूँ और जो मैं पहले थी और आने वाले टाइम में मैं कैसी हूँगी, तो वो फीलिंग लेकर के मैंने वो पोस्ट किया। सो दैट्स इट कि मैं खुद को, मैं अपने आप में मोटिवेट करती हूँ कि मैं पहले ऐसी थी, अभी मैं मोटी हो गई हूँ और मुझे दोबारा से उस फिटनेस पे वापस आना है। और आप यस आएंगी जरूर, और आप हमेशा मोटिवेट करती है, बट वो फिल्म दंगल के बाद जिंदगी जी बहुत बदल गई, राइट? जी बहुत बदल गई, वाकई में बहुत बदल गई कैसे बदली? सिद्धार्थ जी। मैं अगर एक एक लाइन में कहूं तो कि दंगल से पहले जो सिर्फ हमें, जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग थे वो हमें जानते थे, ज्यादा ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन दंगल फिल्म आने के बाद इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी लोग हमें जानने लगे हैं, एक नाम को पहचान मिली है, और स्पेशली हमारे फादर साहब को, हमें तो फिर भी कुश्ती से जुड़े हुए लोग जानते थे, कुछ लोग जानते थे इंडिया में, लेकिन हमारे जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाने वाले जिनकी मेहनत थी वो मेरे फादर साहब थे, तो उनको लोग नहीं जानते थे कि किस तरह से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो वो एक, उनको भी एक अलग पहचान मिली है, और यही सबसे बड़ी हमें दिल को तसल्ली देती है, शांति देती है, खुशी देती है कि कि हमारे पिता ने हमारे पीछे इतनी मेहनत की और हमें तो मुकाम मिला ही, और उन्होंने जो मेहनत करी उनको भी एक मुकाम हमारी वजह से मिला है। तो महावीर फोगाट जी, आपके लिए भी विक्ट्री वेव, ये आपके लिए कि आपने थैंक अपनी बेटियों को यू, ऐसा थैंक मुकाम यू, पर थैंक यू। पहुंचाया, मेहनत से ढेर सारा आपका आशीर्वाद चाहिए महावीर जी। पर क्या वाकई में वो बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे? आपके तोते निकल जाते थे, सुना है कि डबल ट्रेनिंग होती थी, सोधी साहब आपको ट्रेन करते थे, आपके कोच सुबह पिताजी ट्रेन करते थे, उसमें बहुत गड़बड़ियां होती थी, उसकी कहानी बताइए प्लीज। देखिए सिद्धार्थ जी, फिल्म में भी नहीं दिखाया गया जितना हमने हार्ड वर्क किया, वो एक गाने तक ही सीमित रहा है कि उठक बैठक दंड बैठक, लेकिन वाकई में जितना हमने हार्ड वर्क किया है, मैं अगर दोबारा मुझे जन्म धरती पे मैं लेती हूँ और इंसान के तौर पे लेती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं गीता फोगाट से ही जन्म लूं, लेकिन वो मेरे बचपन के, मैं 8-10 साल काट करके मैं जन्म लेना चाहती हूँ आगे की गीता फोगाट वाले क्योंकि वो बचपन बहुत ही भयानक रहा है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क हमने किया है, लोगों को आज ये मुकाम, सफलता दिखती है, लेकिन वो उसके पीछे मेहनत कितनी है वो या तो हम जानते हैं या हमारा दिल जानता है, या फिर जो मेरे गांव के लोग थे, मेरे परिवार के लोग थे, वो सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे खेतों में से आवाज आती थी रोने की, या वो लोग उस आवाज सुनते थे वो जानते हैं कि हमने कितना कितना हमने मार खाई और कितना हमने स्ट्रगल किया, कितना हार्ड वर्क किया, हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
पर आप मुझे बताइए, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हालांकि मैं शायद जानता हूं उसके बारे में, जो दंगल का लास्ट सीन था जहां पे महावीर फोगाट जी को लॉकर में बंद किया गया था और आप लोग अंदर लड़ रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, क्या वो वाकई में उनको लॉक किया गया था लॉकर रूम में? उनको एक्चुअली रियल लाइफ में उनको लॉक नहीं किया गया कमरे में, लेकिन जो हुआ था कि होता क्या है ना कि सिद्धार्थ जी जहाँ पे हम ट्रेनिंग, जहाँ पे हमारे मैचेस होते हैं और जहाँ पे हम वार्म अप करते हैं, जहाँ पे बैठे रहते हैं मैचेस से पहले, बैठते हैं पूरा दिन जहाँ पे हम अपना बिताते हैं, तो उस वार्म अप एरिया में मेरे पिताजी को जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि जो कोचेज थे वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि अगर मेडल आए तो मेरे मेरे पिताजी इर्द गिर्द रहे या फिर उनका भी नाम आए मीडिया में। और ऐसा ही हुआ, उनको वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको मैंने बार बार, हालांकि 3-4 बार मैंने बोला भी कोचिज को कि मेरे फोन आ रहे हैं मुझे, तो मैंने कोचिज को बोला कि मेरे पापा बाहर वेट कर, अंदर लेके आइए उनको, एक्रेडिटेशन कार्ड दे दीजिए उनको, तो बोलते कि आप अपने फोकस करो अपने, कि आप अपनी आपकी कुश्ती है उसके ऊपर फोकस करो, आप हम उनको ले आएंगे। तो ऐसे ही मुझे बहकाते रहे और हुआ ये कि मेरे पिताजी अंदर आए नहीं इसके मेरे से मिलने मैच से पहले या मैच के दौरान, तो वो ऊपर सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने दूर से कहीं से मैच देखा। एक्चुअल में ऐसा हुआ था एंड वो थोड़ा सा फिल्म में उनको लॉकर में बंद कर दिया गया, ये थोड़ा उस तरीके से दिखाया गया, लेकिन यस हुआ यही कि उन्होंने उनको मेरे पास ही नहीं आने दिया गया। हाल ही में बबीता जी ने एक ट्वीट डाला था जिसपे बहुत बातचीत हुई थी, उस ट्वीट पर, बबीता जी की ट्वीट पर आपकी राय क्या है? हाँ, देखिए सिद्धार्थ जी, उस ट्वीट के बाद मुझे भी जो मैं कहूंगी मुस्लिम समुदाय के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो जितने भी लोग हैं, वो काफी नाराज हुए हैं। उनकी बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, गलत मैसेजेस भी उन्होंने लिखे हैं, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, तो उनको ऐसा क्यों लगा, ना तो हमने कभी, मैंने या मेरे परिवार ने या बबीता किसी ने भी, हम ना तो हमने कभी किसी समुदाय को लेकर के कभी कोई टिप्पणी की है, और ना ही हम कर सकते हैं, ना ही हम करना चाहते हैं, ना हमारे मन में कोई ऐसी भावना है। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया उस जमातियों को लेकर के किया, क्योंकि कोरोना वायरस उस टाइम पर इतना नहीं बढ़ा था, तो जब से जमात में से जो लोग गए तो उनकी वजह से जगह जगह बहुत सारे केसेस बढ़े, तो उसने उसको उस चीज को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था। एंड मैं ये नहीं कहती कि मुस्लिम समुदाय में ही, हर समुदाय में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। और अगर कोई हिंदू धर्म में अगर कोई बुरा करता है तो हम ये नहीं कि हम उसको छुपाते हैं या हम उसके बारे में बोलते नहीं हैं। हमारे इस समुदाय में भी कई सारे बाबा हैं जो जेल के अंदर हैं, जो गलत काम करेगा तो उसको गलत तो बोला ही जाएगा, तो किसी भी धर्म से हो। तो मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी एक समुदाय से उस चीज को मत जोड़िए कि हमने किसी समुदाय से नफरत फैलाने के लिए, या हम किसी एक समुदाय से नफरत करते हैं, या तो ऐसा हमारा को कुछ भी, कोई भी 1% भी हमारा कोई मतलब नहीं था या कहने का भाव नहीं था। मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों उस वे में लिया, राजनीतिक कारणों की वजह से लोग जानबूझ के उस ट्वीट को बवाल बनाया गया या किस वजह से, लेकिन हमारे मन में ऐसा 1% भी नहीं है।